बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज है सैटरडे और मास की है छुट्टी, तो मास खान फ्रिज की सफाई कर रहा है क्योंकि गंद भी इसने ही फैलाया है। कल इसको शौक चढ़ गया था आइस लॉली बनाने का, तो उसने टैंक की आइस लॉली बनाना चाहिए और सारे ही फ्रिज के अंदर टैंक पता नहीं कैसे गिरा दिया। तो अब वो मैंने कहा कि फ्रिज की सारे की सफाई करो, तो अब यही सफाई कर रहा है फ्रिज की, मेरी हेल्प कर रहा है काम करवाने में। नहीं 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 बेटा, मज़ा आ रहा है मेरे बेटे को सफाई करने में? मज़ा आता है ना, हैं? अच्छी तरह से साफ करो। टैंक कैसे गिर गया था वैसे? मुझे क्या पता, आपने ही बनाई थी ना स्टोरी, इसलिए फ्रिज में गिरा दिया। फ्रिज धोते धोते आप अपने आप को भी धोने लग गए। चलो बस जल्दी करो, पानी ना ज़्यादा वेस्ट करो बेटा, बुरी बात होती है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो चलो बस बस बस, चलो चलो बस जल्दी करो अफरा, जल्दी बेटा पानी वेस्ट ना करो। चलो आओ जल्दी से अंदर। तो आज बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल चुका था फ्रिज में, बच्चों ने बहुत गंद मचा दिया था। कल इन्होंने टैंक की आइस लॉली बनाई तो सारे फ्रिज में टैंक ही कर दिया, शायद वो मोल्ड जो था लीक हो गया था। तो फिर जब मैं सुबह गई और मैंने जाके फ्रिज खोला तो पूरे फ्रिज में टैंक था। तो फिर अब मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और फ्रिज में ख़ास तौर पर गंदगी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि खाने पीने की चीज़ें रखनी होती हैं। तो साथ ही फिर मैंने कपड़े भी धोने लग गई तो काम बहुत ज़्यादा फैल गया, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था तो अब एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है बॉडी में, तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। तो बच्चों ने फिर मेरे, अल्लाह का शुक्र मेरे बच्चे मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, तो बच्चों ने सबसे पहले मुझे ये टैंक बना के दिया कि मामा आप ये टैंक पिए, और फिर साथ ही उन्होंने AC ऑन करके मेरे लिए कमरा रूम ठंडा किया कि मामा अब आप ठंडे कमरे में बैठ के टैंक एंजॉय करें। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बना के नाश्ता करूँगी, और कल है संडे तो कल जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो उसके बच्चों के पापा ने पहले ही ऑर्डर दे दिया कि कल हमने बस थोड़ी बहुत अगर कोई ज़रूरी काम है जैसे ग्रॉसरी वगैरह करनी है तो बस वो सुबह पहले टाइम कर लेंगे, उसके बाद मुझे कहीं जाने का ना कहना, और जितना हो सके कुछ अच्छी आइटम्स घर में ही बना लेना। तो अब उसके लिए मुझे लेने जाना है सौदा, तो फिर उसके ज़रा रेस्ट करूँगी, जोहर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद मैं लेने जाऊँगी सौदा। तो अब मैं करने लगी हूँ नाश्ता, यह है स्लाइस। चाय मैं अभी नहीं पी रही क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने टैंक पिया था, तो चाय मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी, फिर उसके सब बाद मैं ज़रा अपना नाश्ता इन्जॉय कर लूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जाएँगे सामान ख़रीदने के लिए। अब हम लेने जा रहे हैं सब्जी, चिकन, फ्रूट, सारा सामान लेने जा रहे हैं ताकि हम कल मज़े की रेसिपीज़ बना के इंजॉय करें। मास साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं साइकिल पे खड़े हुए। एक पाव में सॉक्स है, एक में सॉक्स नहीं है, ये इसमें सॉक्स पहने हुए, इसमें सॉक्स नहीं है। तो दोनों पैरों में पहनते ना, कोई देख के कहेगा पता नहीं इस बच्चे को क्या हो गया, एक पाँव में सर्दी लग रही है एक पाँव में गर्मी। हाँ जी, तो मैं ले आई हूँ फ्रूट, ये लेकर आई हूँ एप्पल, बनाना, मैंगो और ये ग्रेप्स, और इसकी कल मैं बनाऊँगी मज़ेदार सी क्रीम चाट, और साथ ही मैं लेकर आई हूँ चिकन और उसकी बनेगी कल एक मज़ेदार सी बिरयानी, और इंशाल्लाह इन दोनों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मास क्या हुआ है, बनाना ख़राब निकला है? ओहो चलो दूसरा ले लो, और मुँह हाथ वगैरह धो ज़रा फ्रेश हो। पर आपको क्या हो गया, फ्लू हो गया मेरी बेटी को? इधर आना ज़रा, ओए फ्लू हो गया। चलो मैं आपको ना अभी मेडिसिन देती हूँ, बर्तन बंद कर देते हैं, कैचे पीती हैं आप? चलें ठीक है, आप क्या खा रहे हो? ब्रेड जैम। ब्रेड जैम, उफ़ अल्लाह कितना पसीना आ गया है।
पानी है। पानी अच्छा मुंह धो कर आए हो? नहीं। उस फिरा ने पानी फेंका है। उस फिरा गंदी बच्ची सब पे पानी फेंकती है। मैंने नहीं उसको फेंका। वो उसने ना मेरा इतना जोर का ना गला दबाया था इसलिए मुझसे गलती से गिर गया। माँ ऐसे नहीं करते बेटा, मजाक में ऐसे भी नहीं करते। तो अचानक से चली गई ये लाइट और अब पता नहीं लाइट कब आए क्योंकि लाइट जो है बे टाइम गई है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में कोई इतना ख़ास तो था नहीं, बस वही डेली रूटीन जो होती है हर घर में होती है। तो फिर आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और जो रहेगी हमारे क्रीम चाट और बिरयानी की रेसिपी वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का हौसला अफजाई और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश करें। और क्या कहते हैं, हम बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारे यहाँ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़। दुआ करते हैं कि कल हमारा पाकिस्तान जीत जाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।